फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाज की खबरें, हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रोजाना हिंदू मुस्लिम कर रही है। अभी थोड़े दिनों पहले NCERT से मुगलों का चैप्टर निकाल दिया और अब जो है आज मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम भी निकाल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और मौलाना आज़ाद साहब के अंडर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले देश के होम मिनिस्टर थे। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग रही है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और बार बार उनका नाम इस्तेमाल BJP सरकार कर रही है और उन्होंने ही RSS पे बैंड लगाया था जो बैंड एक साल तक शायद चला था और 1950 में आज़ादी के 3 साल बाद इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब आज़ादी के बाद सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने और उन्होंने इस देश को IIT दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आज़ाद भारत को एजुकेशन की पॉलिसी जो आज तक चल रही है वो देने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। और बता दूं मैं आपको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो थे जिन्होंने कहा था कि भारत और भारतवर्ष और पाकिस्तान के दो टुकड़े मुझे मंजूर नहीं है, मैं मेरी लाश पर पाकिस्तान से गुजर कर पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, मुझे किसी तरह से भारत के टुकड़े मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर आसमान से एक फरिश्ता उतर कर आ जाए और ये कहे कि मैं भारतवर्ष की आज़ादी एक दिन में दे सकता हूँ लेकिन यहाँ से हिंदू मुस्लिम की एकता जो गंगा जमुनी तहजीब उसे आसमान पर लेके चला जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं कहूँगा कि आज़ादी हम फिर थोड़े दिनों के बाद ले लेंगे लेकिन इस देश से हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं जाने देंगे हम, इसलिए कि इसमें ये एक इंसानियत का सवाल है, भाईचारगी का सवाल है, आज़ादी हम फिर ले लेंगे। और आप उनका नाम निकाल रहे हैं, कन्फ्यूज लोग आप हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं आप लोग।